किसी जमाने में यूपी के लोग बिहार से शराब की तस्करी कर औने पौने दामों में इसकी बिक्री यहाँ करते थे, लेकिन बिहार में शराबबंदी के बाद सब यूपी के लोग बिहार में शराब की तस्करी कर मालामाल हो रहे हैं। आलम यह है कि थोड़ा बहुत शराब की तस्करी की बात कौन कहे, गाजीपुर में तो तस्करों ने शराब की मिनी फैक्ट्री ही खोल रखी थी, जिसका रविवार की रात नंदगंज थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह और स्वाट टीम प्रभारी विनीत राय ने पुलिस टीम के साथ नंदगंज थाना क्षेत्र के मुड़वल में छापेमारी कर अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए शराब बनाने में लिप्त चार तस्करों को दबोच लिया है, जबकि दो तस्कर पुलिस के चंगुल से भागने में सफल रहे। छापेमारी में भारी मात्रा में नकली शराब बरामद करने के साथ ही शराब बनाने का उपकरण और उसमें प्रयुक्त होने वाला केमिकल आदि भी बरामद किया गया है। इस संबंध में सोमवार को गाजीपुर पुलिस ऑफिस में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने अभियुक्तों को मीडिया से मुखातिब कराते हुए बताया कि यह लोग नकली शराब बनाकर खासकर बिहार में इसकी सप्लाई करते थे, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी। इन अभियुक्तों ने इस अवैध कमाई से जो भी संपत्ति अर्जित किया उसे भी कुर्क किया जाएगा। एकलपुरवा मुड़वल गाँव में एक नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का पता लगाया, भंडाफोड़ किया, जिसमें चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इनसे 400 लीटर स्प्रिट, नौसादार यूरिया और 36 पेटी 31 पेटी अपरिशित शराब, पूर्ण रूप से जो नकली शराब होती है वो बरामद की है। ये फैक्ट्री चला रहे थे ये लोग पिछले 6-7 महीनों से, पूछताछ में इन्होंने बताया 7-8 महीनों से ये चला रहे थे, और जैसे ही इसको संज्ञान में हुआ इसकी पतारसी सुरागरसी करके हमारी स्वाट टीम और नंदगंज पुलिस ने इनको पकड़ा है। अब इनसे पूछताछ की जा रही है, अब तक की जो प्रारंभिक पूछताछ है उससे पता चला है कि स्थानीय लोगों में तथा बिहार के लोगों में ज़्यादातर ये नकली शराब ये बिहार सप्लाई करने का कार्य करते थे। इनके पास से नकली शीशी, बारकोड, ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। इस संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन करके और इनके जो एसोसिएट्स हैं अगर कुछ हैं तो उनका भी पता लगाया जा रहा है। इन्होंने और पहले क्या क्या कार्य किए हैं उसका भी पता लगाया जा रहा है। कौन कौन अगर अन्य लोग भी इनके गैंग में सम्मिलित हैं या बिहार में जो लोग सप्लाई करते थे उसका भी पता लगाया जा रहा है। संगीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है, आजीवन कारावास की सजा है उसमें, और इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। और इन्होंने इस अवैध कमाई से जो संपत्ति अर्जित की होगी उसको भी कुर्क किया जाएगा। ये एक अच्छा कार्य है जिससे निश्चित रूप से इस नकली शराब से के पीने से इसका जो रेशियो है जैसे गड़बड़ाता है वैसे ही लोगों की जाने चली जाती हैं। इसके लिए हमने अपनी टीम को 5,000 रुपये कैश उनके उत्साहवर्धन के लिए देने की घोषणा की है, और हम चाहेंगे कि जनपद में इस प्रकार का एक जो वर्तमान में बुलंदशहर की घटना हुई थी अभियान अनवरत चलता रहे और कहीं भी जो इस प्रकार की शराब की घटनाएं बनाने की अगर कोई फैक्ट्री चल रही होगी तो उसका भंडाफोड़ करेंगे। और जनपद गाजीपुर में किसी भी दशा में ना तो नकली शराब का संचरण होने देंगे, ना उसका निर्माण होने देंगे और ना ही उसकी बिक्री करेंगे। सर, अभी आपने बताया है कि तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट मिले हैं। हाँ, ये इनके पास रैपर भी मिले हैं और लेवल मिले हैं, बारकोड मिले हैं, मशीन जो जिससे पंच करते थे वो मिली है, पूरी फैक्ट्री के सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं वो मिले हैं, हमने इसमें डिटेल्स आपको दे दिए हैं, वो सारी बरामद हुई है। ऐसी और भी तमाम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए।